भगवान श्री कृष्ण के ताम पात्र में कभी भी चावल की कमी नहीं होती थी। ऐसे ही ये करमपुर में बच्चों के लिए आंसर कोचिंग में एक ताम पात्र है जिसमें कभी पेंसिल खत्म नहीं। जैसे ही पेंसिल खत्म होने लगती है तो हिंदुस्तान के नेक दिल इस ऑफिस में आकर स्वयं अपने हाथों से करते हैं पेंसिल का पेंसिल। आज बच्चों के लिए पेंसिल भी लेके आए हैं और उन बच्चों के लिए पेंसिलें दी जा रही हैं जिनमें से किसी बच्चे को ना आपने देखा है, ना आप उन्हें जानते हैं, ना आप उनसे कभी मिले हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यही पेंसिलें कल बच्चों के हाथों में जाएंगी और वो इनको पाके खिलखिलाएंगे, मुस्कुराएंगे। और जब वही बच्चे अपने घर में जाके इन पेंसिलों से लिखते हैं तो उनके माता पिता के भी दिल मुस्कुराते हैं कि इसी हिंदुस्तान में उनके बच्चों के लिए कोई पेरेंट्स खड़ा हो चुका है। और यही भावना से देश में पैदा हुए थे अब्दुल कलाम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हमारी बारी है, अगर हम सब अपने हिस्से की पेन पेंसिल कॉपी दान करते रहेंगे तो बच्चे शिक्षा में आगे पढ़ते रहेंगे। तो आज आपको कैसा लगा प्रेम सिंह जी और ज्ञान जी? सर बहुत अच्छा लगा सर, हमारी छोटी सी मदद से आज के बच्चे पढ़ना लिखना सीख जाएं, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है सर। तो हमारे सामने प्रेम सिंह जी जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, एनजीओ का घर घर तक पहुँच रहे हैं, सबको मोटिवेट कर, इतनी कम उम्र में प्रेम सिंह जी ने लोगों को मोटिवेट करा हुआ है और चाहे दिन हो चाहे दोपहर हो स्वयं बच्चों के साथ पढ़ाई के लिए आप लाते हैं पेन पेंसिल कॉपी। तो प्रेम सिंह जी कैसा लगता है आपको ये सब करके? इस काम को करने से सेटिस्फेक्शन भी मिलता है मुझे और अच्छा भी लगता है, क्योंकि हम जब आगे बढ़ते हैं बच्चों की हेल्प करते हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये बुक्स घर में रखा होता है एक साइड में, और फिर ज़्यादा होता हम लोग अक्सर कबाड़ में या बंगाल में भेज देते हैं, तो इन्हीं बुक्स को क्यों ना अपने घर से उठा के एनजीओ में ला के दे दिया जाए, जिससे कि गरीब बच्चे होंगे ये पढ़ सकेंगे इन बुक से। और पेंसिल लाया गया जो गरीब बच्चों में बांटा जाता है और उनको आगे बढ़ाया जाता है, तो वाकई में बहुत ही अच्छा है। और हमारे साथ मौजूद है ज्ञान जी जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं बैंकिंग प्रोफेशनल से बिलोंग करते थे, प्रेजेंट टाइम में भी कुछ अलग कर रहे हैं, तो देखिए इनकी सोच कितनी अच्छी है, इन्होंने गरीब बच्चों के बारे में सोचा और अपने घर में रखे कॉपी किताब पेन पेंसिल को बैंक में ला के जमा किया, और अब ये सारी कॉपी किताबें पेंसिल गरीब बच्चों में बटेगा जिससे उनको शिक्षा मिलेगा। और बहुत अच्छी बात बोली जाती है, समाज को बदलना है तो खुद को मत बदलिए, आप शिक्षा को बदल दीजिए। जब आपके अंदर नैतिकता और सामाजिक शिक्षा आ जाएगी तो समाज भी बदलेगा, लोगों की सोच भी बदलेगी। और बस दोस्तों ये सिलसिला जारी हो गया है और करना हम लोगों को बस इतना है कि हम आपको दोनों को मिल के इस सिस्टम को सबको बताना है, सब घर घर तक पहुंचाना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके, सभी बच्चे आगे बढ़ सके, शिक्षा मिल सके और समाज का देश का नाम रोशन कर सके, और मानसर का भी नाम लोग जाने कि इन्होंने जो एक नींव रखी है वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि अब जब हम कुछ अलग सोचते हैं तभी समाज में बदलाव आएगा। ऑलरेडी देखिए इतने ऐसे ऐसे प्रोफेशनल के लोग बैठे हैं जिन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक टीचर होने के बावजूद भी मान सर इस चीज़ को चला रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सर। वेरी नाइस। देखिए दोस्तों, विचारों की कोई उम्र नहीं होती है। आज प्रेम सिंह जैसे कम उम्र युवा भी ऐसी बातें कर रहे हैं जो देश के भविष्य के लिए सोच रहे हैं। दोस्तों जब यही विचार हिंदुस्तान के हर घर में पैदा हो जाएगा तो यकीन मानिए हर गली मोहल्ले में पैदा होंगे भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर और अब्दुल कलाम जी। ठीक, हम सब मिलके देश को बदलेंगे। ऑल द बेस्ट, डोंट वरी, बी हैप्पी।